दिवाली का मतलब ही है दिया, क्योंकि उस दिन हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, राइट। लाइटिंग तो होती है, बट मिट्टी के दियों का एक अपना ही क्रेज़ है, एक अपना ही फील है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दिवाली के दियों को जब घर में लेके आते हैं तो उनकी तैयारी भी अच्छे से कर लें, यानी कि उनकी प्रेपिंग कर लें, राइट। तो इसके लिए करना ये है कि जो भी आप दिए लेके आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में आते हैं, शेप्स में आते हैं, आप इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में डाल के रखिए। पानी में डालने का एक साइंटिफिक रीज़न है। इससे होता ये है कि जो मिट्टी के दिए होते हैं ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। और जब ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके जो इंटरनल पोर्स होते हैं ये तेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं, क्योंकि वाटर एंड ऑयल दे बोथ आर लिक्विड, बट वो अपने एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो इससे होता ये है कि जब आप दियों को बाहर निकालते हैं, पानी से सुखा देते हैं, तो पूरी तरीके से नहीं सूखते हैं। और जब आप उसमें घी डालते हैं या फिर सरसों का तेल डालते हैं जलाने के लिए दिवाली के टाइम पे, तो वो बहुत सारा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अपने अंदर। इससे होता ये है कि आपके दिए बहुत लंबे टाइम तक जलते हैं और आपका जो तेल है वो कम यूज़ होता है। तो ये था साइंटिफिक रीज़न। तो अगली बार अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहे थे तो अगली बार से ज़रूर इस प्रैक्टिस को फॉलो करिएगा, राइट। और इससे ये भी एक फ़ायदा है कि आप इन दियों को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आप इनको वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए और आप कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो का जो रीज़न था साइंटिफिक, ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। टेक केयर, बाय बाय।